Now let's discuss the basal cell carcinoma in the eyelid lecture. ठीक है, eyelid के कुछ tumors होते हैं उसको हम discuss करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, basal cell carcinoma. Basal cell carcinoma is the tumor arises from the basal layer of the epidermis. From basal layer of epidermis. And it is the most common malignancy of the eyelid. 90% of the cases जो होते हैं ना tumor के वो यही होते हैं. It is the most common. What are the risk factors of basal cell carcinoma? Increasing age and मतलब क्या, बहुत ज़्यादा sun exposure हो, xeroderma pigmentosa and basal cell nevus. Basal cell nevus, these are the risk factors for developing the basal cell carcinoma. And इसके तीन टाइप्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, नोड्यूलर टाइप. इन द नोड्यूलर, यहाँ पर होता क्या, ये स्किन जो क्या कहते हैं, लेड है, लेड के ऊपर यहाँ पर होगा क्या, बिल्कुल सिंपल सा नोड्यूल होगा. दिस शाइनी फर्म नोड्यूल विद ब्लड वेसल ऑन इट्स सरफेस. शाइनी फर्म नोड्यूल विद ब्लड वेसल ऑन इट्स सरफेस. जूम कर दूँ मैं यार, हाँ अभी ठीक है ना. Shiny firm nodule with the blood vessel on its surface is the nodular one. And then we have the nodulo ulcerative. Nodulo ulcerative, this is also known as the rodent ulcer. Rodent ulcer, in this one there is the nodule. Yahan par nodule to ho gayi hoga. There is ulceration, there is a central ulceration with the raised rolled margin. These are the raised and rolled margins. This is known as the nodulo ulcerative. And iski jo picture hai, like this. This is central ulceration with the raised rolled margins. This is basal cell carcinoma nodulo ulcerative type. ठीक है. And इसका जो third type होता है, वो third इसका type होता है हमारे पास क्या, and it is क्या कहते हैं, स्क्लेरोजिंग एंड इनफिल्ट्रेटिव. स्क्लेरोजिंग इनफिल्ट्रेटिव, स्क्लेरोजिंग इनफिल्ट्रेटिव में होता क्या, देर इज फ्लैट इंड्यूरेटेड प्लाक. देर इज फ्लैट इंड्यूरेटेड प्लाक विद इनफिल्ट्रेशन. ये जो ग्रीन है, दीज आर द इनफिल्ट्रेशन. ग्रीन है, हाँ ठीक है. फ्लैट प्लाक विद द इनफिल्ट्रेशन, दिस इज स्क्लेरोजिंग, स्क्लेरोजिंग एंड इनफिल्ट्रेटिव टाइप. ये इसके तीन टाइप्स थे. ठीक है, और क्या कहते हैं, इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे. अब ये तो ट्यूमर आ गया, इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे. ट्रीट इसको करेंगे हम कैसे, बायोप्सी कर सकते हैं आप. बायोप्सी के दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, इंसीजनल एंड एक्सीजनल. अब जो इंसीजनल टाइप है, इन इंसीजनल टाइप हम थोड़ा सा ना पार्ट निकालते हैं, क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ लीजन इज रिमूव्ड फॉर हिस्टोपैथोलॉजी. इन एक्सीजनल, रिमूवल ऑफ होल और इंटायर ट्यूमर, इसमें सिर्फ पार्ट निकालते हैं फॉर हिस्टोपैथोलॉजी. दिस इज इंसीजनल, एंड इन एक्सीजनल वी रिमूव द होल ट्यूमर. वी कैन डू सर्जरी एज वेल, सर्जरी भी कर सकते हैं हम, क्रियोथेरेपी भी कर सकते हैं. एंड देन वी डू रेडिएशन एज वेल, ताकि इसको हम ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर सकें. अब रेडिएशन किस में इंडिकेटिव होती है, रेडिएशन इंडिकेटिव इन नोड्यूलो अल्सरेटिव टाइप. नोड्यूलो अल्सरेटिव टाइप में करते हैं. एंड देन वी हैव द लेज़र माइक्रो सर्जरी. इन द लेज़र माइक्रो सर्जरी वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र. कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र बेसिकली डज व्हाट, इट इज़ यूज्ड एज ए नाइफ टू एक्साइज द ट्यूमर. कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज्ड एज ए नाइफ टू एक्साइज द ट्यूमर. देन वी हैव द कीमोथेरेपी एज वेल, कीमोथेरेपी कर सकते हैं. एंड देन वी हैव द टॉपिकल एमी कोई मोड, 5% क्रीम होती है जो कि हम स्मॉल सुपरफिशियल
बेजल सेल कार्सिनोमा के लिए हम यूज़ करते हैं टॉपिकल इमीकोइमोड 5% क्रीम होती है जो हम यूज़ करते हैं इन दी स्मॉल बेजल सेल कार्सिनोमा जो कि सुपरफिशियल हो उनमें हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस वाज अबाउट द बेजल सेल कार्सिनोमा। इसको अभी हाँ पिक्चर निकालें तो आप निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द आईलिड एंड दिस इज़ गोना बी द लास्ट वीडियो रिगार्डिंग द आईलिड्स। ठीक है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इट अराइजेज फ्राम द सेल लेयर ऑफ द एपिथीलियम। बेजल सेल कार्सिनोमा अराइजिंग फ्राम द बेजल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। दिस इज अराइजिंग फ्राम द सेलुलर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। वाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर डिवेलपिंग द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा सेम एज इन द बेजल सेल, लाइक जीरो डर्मा पिगमेंटोजा एंड इंक्रीज सन एक्सपोजर एंड और क्या हो सकता है, ओल्ड एज एंड एक्टिनिक केराटोसिस और ऑल्सो नोन एज द बोविंस डिजीज। दिस वन, दिस इज अ रिस्क फैक्टर एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ कार्सिनोमा इन सीटू। नाउ लेट्स डिस्कस दिस बोविंस डिजीज। व्हाट इज बोविंस डिजीज? इन बोविंस डिजीज देयर इज अ प्लाक लीजन इन द आईलिड। It is this plaque is well demarcated or sharply demarcated. This is sharply demarcated plaque and it is rough and hyperkeratotic plaque. This is very rough and hyperkeratosis. And what is hyperkeratosis? It is the thickening of the superficial layer of the epidermis. It is the thickening of the particularly the stratum corneum of the stratum corneum of the epidermis. ठीक है, दिस इज़ हाइपर केराटोसिस। एंड मैंने आपको ना डर्मेटोलॉजी में जब मैं आपको टर्म पढ़ा रहा था ना, क्या कहते हैं, सोराइसिस, देर वॉज एन अदर टर्म, एक था हाइपर केराटोसिस, दूसरा था पैरा केराटोसिस। इन दोनों में डिफरेंस आपको इन डर्मेटोलॉजी आपको पता होना चाहिए, डर्मेटोलॉजी में आपसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, एनी वेज दिस इज़ हाइपर केराटोटिक, दिस इज़ प्लाक, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ बोविंस डिजीज। बोविंस डिजीज में सिर्फ और सिर्फ हाइपर केराटोटिक प्लाक्स बनते हैं। ठीक है, देन वी हैव द नोड्यूलर वन। स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा के तीन टाइप्स होते हैं, बोविंस डिजीज, नोड्यूलर एंड अल्सरेटिव। एंड इन द नोड्यूलर देर इज ओनली अ नोड्यूल व्हिच इज हाइपर केराटोटिक बट इट इज़ अ नोड्यूल, इट इज़ नॉट अ प्लाक। जो बोविंस डिजीज में था इट वॉज अ प्लाक, बट इन द नोड्यूलर इट इज़ हाइपर केराटोटिक, इट इज नोड्यूल, नॉट द प्लाक। दिस इज डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज। ठीक है, and then we have the ulcerative one. This is ulcerative, it is the third one. It has a red base, and it is an ulcer. ye basically kya hai, ulcer hai, yahan par plaque tha, yahan par nodule hai, yahan par kya hoga, this is an ulcer, with red base with everted borders, indurated and everted borders. theek hai, this is central ulceration and this is the indurated border of the lesion. ठीक है, this is central, वो है क्या है, अल्सरेशन है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे MCQs या नॉट MCQs, ये आपसे OSPs में ये पिक्चर लगा के आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस वॉज अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड द टाइप्स एंड नाउ लेट्स डिस्कस द ट्रीटमेंट। व्हाट आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज़? इसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं एंड देन एक्सेंट्रेशन बेसिकली आपके पास क्या होता है, इट इज़ इंडिकेटेड व्हेन द क्या कहते हैं, जो आईलेट का जो लीजन है इट इज़ 2 सेंटीमीटर आर मोर, 2 सेंटीमीटर और मोर देन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या है, रेडिएशन थेरेपी है। ठीक है, रेडिएशन कब करेंगे, इट इज़ लेस इफेक्टिव देन दी कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन, इट इज़ लेस इफेक्टिव। ठीक है, रेडिएशन हम करते नहीं है मोस्टली, लेकिन हम अगर
क्या कहते हैं, अगर कोई भी प्रोसीजर काम नहीं कर रहा तो तभी करेंगे, ठीक है। लेकिन दिस इज़ सुपर इम्पोर्टेंट सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लीजन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी आईलिड्स पैथोलॉजीज, ठीक है। मैं आपको सारा दिखा देता हूँ जो भी हमने सारे पार्ट्स में पढ़ा था, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट पेज एंड दिस इज़ द सेकेंड पेज, ठीक है।